नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे लाजवाब माही टिक्का। हम अपना किचन पे लाजवाब फिश टिक्का किस तरीका से बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। तो दोस्तों फटाफट चलते वीडियो के अंदर और बनाते हैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल लाजवाब माही टिक्का। दोस्तों लाजवाब मच्छी के लिए यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है माही माही फिश और इसे मैंने 50-60 ग्राम वेट में टिक्का शेप में अच्छा से कटिंग कर लिया है। आपको भी सेम ऐसा ही मच्छी कटिंग करके अच्छा से वॉश करके वाटर रिमूव करके एक ट्रे में सेट कर लेना है। तो चलो हमारा मच्छी रेडी है, आप चलते हैं फास्ट मैरिनेशन की ओर। तो दोस्तों मच्छी तैयार है, अब हम इसे फास्ट मैरिनेशन करेंगे। तो फास्ट मैरिनेशन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। यहाँ देख रहे हैं मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे ऐड कर लेंगे 2 बड़ी चम्मच। आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 बड़ी चम्मच ऐड कर लेना है। दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आपको 1/2 चम्मच ऐड कर लेना है नमक, ज़्यादा ऐड ना करें। तो दोस्तों नमक के बाद आपको ऐड कर लेना है लेमन जूस, 3 या 4 लेमन का लेमन जूस ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों लेमन जूस के बाद हम ऐड करेंगे कैरम सीड, यह है अजवाइन सीड। आपको हाथ में घिस घिस के ऐड कर लेना है। तो दोस्तों अजवाइन सीड के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट। तो आपको अच्छा से ग्रीन चिल्ली को नाइसली पेस्ट करके ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेंगे 2 बड़ी चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट और चिल्ली पेस्ट के बाद ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ चॉप। तो दोस्तों फास्ट मैरिनेशन पे आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। देख रहे मैंने कैसे मिक्स कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही मच्छी को अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों जब आपका मच्छी फास्ट मैरिनेशन हो जाए तब आपको क्या करना है, इस मच्छी को चिल्लर में रख लेना है। तो दोस्तों अब हम इसे चिल्लर में रख लेते हैं और इसका बीच में बनाते हैं लाजवाब माही टिक्का के लिए मसाला। तो इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें धनिया, पुदीना और कारी लीव्स का एक जबरदस्त पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट कैसे बनाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ, चलो बर्नर की ओर। तो दोस्तों लाजवाब मच्छी टिक्का मसाला के लिए हम एक धनिया, पुदीना और कारी लीव्स का पेस्ट बना लेते हैं। तो उसको आप लोग रॉ भी पेस्ट कर सकते हैं और कढ़ाई में भून के भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रॉ पेस्ट नहीं करेंगे, कढ़ाई में भून के पेस्ट करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। देख रहे मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा लिया है और कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं ऑयल। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यहाँ पर देख रहे मैंने धनिया, पुदीना और कारी लीव्स, यहाँ पर तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से वॉश करके रेडी कर रख लिया है। तो देख रहे हमारा तेल गर्म हो चुका है। जब आपका तेल गर्म हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा जीरा सीड। जब जीरा सीड आपका गरम हो जाए तब जीरा सीड के बाद आपको ऐड कर लेना है गार्लिक और जिंजर। दोस्तों गार्लिक जिंजर को आपको तेल में 2 मिनट तक अच्छा से भून लेना है। जब जिंजर और गार्लिक तेल में 2 मिनट तक आपका भुना हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐड करना है ग्रीन चिल्ली। और अब हम ये तीनों चीज को अच्छा से तेल में भून लेंगे। तो दोस्तों आपका जब जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, आपको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ओनली हल्का तेल में सौते कर लेना है। जब सौते हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड करना है धनिया, पुदीना और कारी लीव्स। आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छा से ऐड करके इसे भून लेना है। तो आपको इसे ज्यादा टाइम तक भूनना नहीं है, बस गरम कढ़ाई में इसको 2 मिनट आपको पके कर लेना है।
तो दोस्तों आपका जब ये 2 मिनट पकड़ के फते हो जाए तब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है पीनट। यह है रोस्टेड पीनट, आपको ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से भून ले। तो दोस्तों आपको ये ज्यादा टाइम तक भूनना नहीं है, नहीं तो आपका ये पेस्ट काला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो ये मिक्सर पेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इसे मिक्सी में ऐड कर लेना है। आपको क्या करना है, 2-4 आइस क्यूब ऐड करके इसे स्मूथ करके पेस्ट कर लेना है। दोस्तों देख रहे हैं हमारे यहाँ पर पेस्ट तैयार है, चलो अब लगाते हैं इसके लिए लाजवाब मसाला। तो लाजवाब मसाला बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है ऐसा एक डिश। तो हमारा डिश तैयार है और इस डिश में सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे भुना हुआ बेसन। तो दोस्तों बेसन भुना हुआ कैसे बनाएंगे, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली और बटर डाल के इसे भून लेना है साथ में बेसन ऐड करके। तो आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है भुना हुआ बेसन। तो दोस्तों भुना बेसन के बाद हम ऐड करेंगे दही। ध्यान रहे इस कबाब का मसाला बनाने के लिए आपको दही का क्वांटिटी थोड़ा कम करके ऐड करना है, नहीं तो हमारा मसाला का ज्यादा कलर नहीं आएगा। ये थोड़ा हरा कलर का मसाला बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, दही का क्वांटिटी थोड़ा कम के ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे हैंग कर्ड। तो हैंग कर्ड के बाद ऐड करेंगे पीनट पेस्ट। आपको रोस्टेड पीनट को अच्छा से स्मूथी पेस्ट कर लेना है। तो ऐड करेंगे 2 चम्मच रोस्टेड पीनट पेस्ट। तो रोस्टेड पीनट पेस्ट के बाद अब हम ये कोरिएंडर, मिंट और कारी लीव्स का पेस्ट इसे भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून कैसुनेट पेस्ट। आपको ऐड करना है 1 चम्मच कैसुनेट पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे स्पाइसी के लिए ग्रीन चिल्ली पेस्ट। ये कबाब थोड़ा स्पाइसी होता है, तो देखा मैंने फास्ट मैरिनेशन का टाइम पे थोड़ा ऐड किया था ग्रीन चिल्ली पेस्ट और ये कोरिएंडर मिंट का पेस्ट का टाइम पे ऐड किया था थोड़ा ग्रीन चिल्ली पेस्ट। तो इसका बराबर आप थोड़ा ऐड कर लेते हैं ग्रीन चिल्ली पेस्ट। तो इसे बराबर स्पाइसी करने के लिए ऐड कर लेंगे थोड़ा ग्रीन चिल्ली पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे सॉल्ट। आपको स्वादिष्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लेना है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 स्पून, सिनेमन स्टिक पाउडर 1 स्पून, ग्रीन कार्डमम पाउडर 1 स्पून, अनारदाना पाउडर 1 स्पून। आपको ऐड कर लेना है चटपटा के लिए, थोड़ा खटास के लिए आपको ऐड करना है अनारदाना पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे चाट मसाला 1 स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1 स्पून। तो दोस्तों देख रहे मैंने इसमें सारे मसाला ऐड कर लिया है, अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा ऑयल। आपको सैलाड ऑयल या रिफाइनल थोड़ा ऐड कर लेना है। इसमें क्या होता है, जब कबाब का मसाला लगाएंगे ना तो कबाब जलता नहीं है, ये ऑयल अपना कबाब को क्विकली पकाने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इस मिक्सर को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आपको देख रहे सेम ऐसा ही हरा कलर का मसाला बना लेना है। तो हमारा ये मसाला तैयार है, आपको क्या करना है, इस मसाला को अच्छा से टेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों जब आपका मसाला तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये फास्ट मैरिनेशन करके रखा था मच्छी को इस मसाला में आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे आपको सेम ऐसे ही मच्छी को अच्छा से मिक्स कर लेना है। हमारा मच्छी में मसाला लग चुका है, अब आपको क्या करना है, इसे 1 घंटा के लिए चिल्लर या फ्रीजर में रख लेना है और 1 घंटा बाद इसे आपको एक सीट में लगाना है और तंदूर में अच्छा से ग्रिल करना है और नाइसली प्लेटिंग करके आपको सर्व करना है। तो दोस्तों चलो अब हम इस लाजवाब फिश टिक्का को अच्छा से ग्रिल करते हैं। तो तंदूर में लगाने के लिए आपको क्या करना है, लेना है ऐसा एक सीक, तंदूरी सीक लेना है और आपको क्या करना है, धीरे धीरे फिश को अच्छा से
सीक में लगा लेना है। यहाँ पर देख रहे मैंने कैसा लगा रहा हूँ, आपको सीक में सेम धीरे धीरे मच्छी को ऐसा लगा लेना है, पूरा मच्छी का बीचों बीच आपको लगा। तो देख रहे हमारा फिश सीक में मैंने लगा लिया है। चलो अब हम इसे ऑयल डन ग्रिल करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हमारा तंदूर भी रेडी है। आपको क्या करना है, मच्छी को लेना है ऐसा ही तंदूर का बीचों बीच रख लेना है। और क्या करना है, ध्यान रहे आपको हमेशा कोई भी कबाब आप ग्रिल करें तो लीड डाल के ग्रिल करें। तब क्या होगा, तंदूर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपका फिश को स्लो टेम्परेचर में ग्रिल करना है और ज्यादा काला नहीं होगा। इसके लिए आपको लीड डाल के ग्रिल करना है। तो दोस्तों देखे हाँ हमारा फिश हाफ डाउन ग्रिल हो चुका है। जब मच्छी को हाफ डाउन ग्रिल हो जाए तब आपको क्या करना है, ले लेना है बाटर और अच्छा से ब्रशेस को लगा लेना है। तो आपको धीरे धीरे बाटर ब्रश कर लेना है। देख रहे जब आपका बाटर ब्रश हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर इसको दोबारा तंदूर में ऐड करना है। तो आपको दोबारा लीड डाल के ऑयल डन ग्रिल कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हमारा यहाँ पर फिश अच्छा से ऑयल डन ग्रिल हो चुका है। आपको सेम ऐसे ही मच्छी को अच्छा से ग्रिल कर लेना है। तो चलो लीड डाल देते हैं, अब हम इसे निकल के अच्छा से प्लेटिंग कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस मच्छी का आगे थोड़ा अच्छा से साफ कर लीजिए और इसे अच्छा से घुमा के ऐसा घुमा के निकालिए। देख रहे आपको प्लेट में सेम ऐसे ही निकाल लेना है। और फिश निकाल लेने के बाद लगा लेंगे थोड़ा सा बटर और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कबाब मसाला। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर प्लेट सेट कर लिया है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस प्लेट पे अच्छा से ये लाजवाब फिश टिक्का को सेट कर लेना है। और दोस्तों कैसा है हमारा ये फिश टिक्का का रेसिपी, मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें और इस वीडियो कैसा रहा जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और इसका साथ साथ में आपको ऐड भी कर लेना है दो चार माइक्रो ग्रीन्स फॉर गार्निश के लिए। तो दोस्तों देख रहे हमारा ये लाजवाब माही टिक्का मैंने प्रेजेंटेशन के साथ रेडी कर लिया है। अब आपको इसका साथ टोमेटो का चटनी या मैंगो का चटनी या मिंट चटनी कोई भी चटनी का साथ इसे अच्छा से सर्व कर लेना है। और हमारा वीडियो कैसा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नया कबाब का साथ। बाय बाय, थैंक यू।